हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमारे हाथ में दो स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो दोनों का दोनों ओल्ड मॉडल है और दोनों का दोनों लॉक्ड है। मींस यूज कर पाएंगे तभी जब आप पासवर्ड डालेंगे। 6 डिजिट का पासवर्ड हो, पैटर्न हो, चाहे पिन हो, जो भी पासवर्ड हो आप डालेंगे तो यूज हो पाएगा। चलिए मैं फर्स्ट का रख देता हूँ, फर्स्ट वाला EMI का है। सेकंड जो फ़ोन है ये आपका ओप्पो का है, ठीक है। मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, लेकिन ये ओल्ड मॉडल है, शायद 2018-19 का फ़ोन है, लेकिन हमको सीरीज नहीं याद है फ्रेंड्स। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये दिसंबर का अपडेटेड है। तो मैं अपडेटेड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आगे जाके मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि लेटेस्ट मंथ का अपडेट होना फ़ोन क्या काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके मेरे हाथ में इस तरह से ओप्पो का फ़ोन पड़ा हुआ है जो 6 डिजिट का यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड ना तो हमको मालूम है, ना आपको मालूम है, ना किसी सर्विस सेंटर वालों को मालूम है। जी हाँ फोन फ्रेंड्स, सर्विस सेंटर वालों को भी नहीं मालूम रहता है। अगर आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो 3-4 दिन जाइए, उसके बाद पैसा दीजिए 600-700 रुपया और आपका फ़ोन 3-4 दिन बाद मिलेगा और डाटा भी लॉस, सारा डॉक्यूमेंट्स, गैलरी, फोटो सब खत्म, आपका पैकेट का पैसा भी खत्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी ओप्पो का कोई भी हैंडसेट हो, ठीक है, और वो लेटेस्ट मंथ का अपडेटेड होना चाहिए, दिसंबर का हो, नवंबर का हो, तो मैटर कोई नहीं, कुछ नहीं करता, ये दिसंबर का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिसंबर माह का मेरे पास कोड है। हम एक डिजिटल कोड के थ्रू इस लॉक को रिमूव करते हैं और वो डिजिटल कोड मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप लॉक बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, देखने के लिए मिलता है फ़ोन में। और ये देखिए तीर बना हुआ, तीर के ऊपर स्वैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंटर मांग रहा कि इंटर पासवर्ड डालिए 6 डिजिट का, अब फ़ोन आगे यूज कीजिए, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इमरजेंसी कॉल शो हो रहा है ना, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, इतना तो कर सकते हैं आप और इतना आप कर भी लिए होंगे। यहाँ पर एक डिजिटल कोड बता रहा हूँ, मैं बोला था डिजिटल कोड के थ्रू, डिजिटल कोड ये देखिए आप ले लीजिए, ये दिसंबर के मैं बोला था, दिसंबर का अपडेटेड है, हर महीने का अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमें नहीं मालूम है कि आप कौन सा महीने में ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि सर मेरे पास ओप्पो का हैंडसेट है जो जनवरी 22, फरवरी 21 मिस, क्योंकि आपको महीना बताना होगा और लास्ट में सन बताना होगा, ईस्वी बताना होगा, ईयर बताना होगा, ठीक है। तो ये देखिए दिसंबर 21 का ये अपडेटेड फ़ोन है। तो इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, इमरजेंसी कॉल पे जैसे ही जाऊँगा, ये देखिए मैंने गया और डिजिटल कोड में डाल रहा हूँ, *0909*47 आप हड़बड़ाएंगे नहीं फ्रेंड, हड़बड़ाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, 4789*3689*888#. ये फ्रेंड डिजिटल कोड है, इस कोड के थ्रू हम जितने भी विंडोज रनिंग है वो सारे विंडोज़ को क्लोज करना है। मींस बैकग्राउंड में जितने भी विंडोज़ खुले हुए हैं वो सब का सब क्लोज करना है। क्लोज नहीं करेंगे तो ये फ़ोन हैंग हो जाएगा, जब फ़ोन हैंग हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा और हमारा ट्रिक जो 2-3 कोड से मैं ओपन करूँगा वो काम नहीं करेगा, सेंसर पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि लॉक तोड़ने का सबसे बड़ा काम सेंसर को होता है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लॉक भी काम करता है सेंसर से ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे कैमरा सेंसर होता है, कॉल सेंसर होता है, और वैसे ही कॉल लॉक जितना भी लॉक होते हैं वो सब सेंसर से काम करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे 5 times कॉल करना, 1, 2, 3, 4 and 5। अब इस कोड को यहाँ से हटा दीजिए, बात बराबर है। अब इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ले जाना है इंजीनियर मोड में, ठीक है, जिसको बोलते हैं मास्टर अनलॉकिंग कोड। ये देखिए *8899 और हैज जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्त आपके सामने इंजीनियर नाम का मोड, देखिए इंजीनियर मोड, आप यहाँ पे कुछ इंजीनियर कर सकते हैं, लेकिन आप इंजीनियरिंग तभी करेंगे जब आपको कुछ मालूम हो। फ्रेंड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें अपने मन से कुछ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क वाले ये ऑप्शन है।
अगर आपको जो समझ में आए वही करें, या तो फिर हम जितना स्टेप बता रहे हैं वही करें। तो ये देखिए, ये दिसंबर का अपडेटेड है, मैं कैसे में बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर वर्जन पे जैसे ही चेक करेंगे, और यहाँ पे आ गया देखिए कर्नल वर्जन, ये देख रहे हैं ना 112 मींस आपका देखिए लास्ट में 12 लगा हुआ है, आपका नवंबर रहेगा तो 111 रहेगा, आपका अक्टूबर रहेगा तो 110 रहेगा, अभी जनवरी का नहीं आया, जनवरी किसका, क्योंकि अभी नया साल आया है तो आ जाएगा, तो मैं आपको उसमें भी वीडियो बना दूंगा। ये दिसंबर का अपडेटेड डिफरेंट। उसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद नीचे चले जाइए, आपको ये देखिए मॉडर्न वर्जन जो देख रहे हैं इसको इस तरह से प्रेस करना है 6 से 7 बार, मैंने प्रेस किया और यहाँ से बैक आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट देखिए मैनुअल टेस्ट पे चले जाइए, मैनुअल टेस्ट पे गया और यहाँ पे डिवाइस डबिंग आ गया, हमको डिवाइस को ही डेवलप करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है सेंसर, सेंसर पे मैंने क्लिक किया इस तरह से, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा देखिए प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटोमीटर, ये सब दिख रहा है ना, ये सब सेंसर का काम करता है जो अनलॉकिंग में काम करता है। ये सेकंड नंबर जो देख रहे हैं ना, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड मींस इसको इसलिए बोला जाता है नॉट, जब लॉक लग जाकर हम लोग लगा देते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, स्टार्ट काम नहीं करता है, इसी को हमको रिमूव करना है। तो पहले सेकंड नंबर को इस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए आप टेस्ट पास हुआ और टेस्ट स्टार्ट एंड पास्ट, ये पास हो गया। और फर्स्ट नंबर को इसी तरह से करेंगे, यहाँ भी देखिए स्टार्ट हुआ अब पास हो गया, मीन्स सारा सेंसर को मैंने एक्टिव कर दिया है, अब यहाँ पे बैक कर देंगे, सारा सेंसर को मैंने एक्टिव कर दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं जीरोस्कोप, इसको एक बार इस तरह से प्रेस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे चले जाइए और इस तरह से देखिए टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पास हो गया है, मेरा सेंसर टूट गया है, मेरा मींस टूटा नहीं, मेरा मतलब कि सेंसर मेरा डिलीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाइए, देखिए किसी किसी में क्या है, सेंसर रीड नहीं करता वहाँ पर फेल लिख देता है, लेकिन हमारा सेंसर रीड कर लिया है, यहाँ पास आ गया। अब यहाँ से बैक आ जाइए और यहाँ आ जाइए एम, देखिए एम सेंसर में मास्टर सेंसर को रीड रन करा दीजिए इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे मास्टर सेंसर 100 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 प्लस नीचे रहेगा तो आपका समझिए लॉक, देखिए कोई कोई फ़ोन लॉक डालिएगा तो 2 सेकंड बाद ओपन होता है, क्यों, उसका सेंसर कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 1+ होना चाहिए, अब यहाँ से बैक आ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कुछ स्टेप है, लास्ट का ऑप्शन देखना है, देखिए अदर्स मिलेगा, मिला, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप लेना है कि रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, मैंने जितना किया है उसको कंफर्म करना है, रीड करना, जी हाँ ये देखिए कंफर्म मांग रहा है, इसको आप एक बार मात्र ओके कर देना है, ठीक है। देखिए रॉन्ग पासवर्ड लिखा ना रॉन्ग पासवर्ड। अब देखिए लास्ट स्टेप है, आप जितना भी रिसेट मारें उसको इंडिकेट में डाल दीजिए, जी हाँ देखिए पास हो गया, यहाँ भी मेरा रिसेट पास हो गया है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब हमको मालूम हो गया है कि यहाँ पर कि 80% हमारा फ़ोन, सॉरी 100% मेरा फ़ोन यहाँ पर अनलॉक हो गया है। कैसे, अब मैं बताने वाला हूँ आपके। यहाँ देख रहे RPMB की स्टेटस है, ये पूरा की का पूरा झोला है, जिसको बोलते हैं थैली बैग, ये की का थैली है, इसको थैली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल में की लगा हुआ है उसका क्या स्टेटस है। जी हाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर RPMB इनेबलिंग स्विच ऑन हो गया है, RPMB की जनरेशन यस हो गया है, एक्वायर अली की ये भी अलाई की अली की जो बोल दी सक्सेसफुल हो गया, क्रिप्टो की सक्सेसफुल और की स्टेशन फुल सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ से हमें तो रिजल्ट यही पता चला है कि ये फ़ोन अनलॉक हो गया है, अब आपको रिजल्ट देखना है। ये देखिए ये विंडो बटन है, होम बटन है और बैक बटन है, मैं बैक से जा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है 1, 2 एंड 3, और आप पाएंगे कि आपका फ़ोन बिल्कुल ही अनलॉक हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए इसमें शायद सिम है कि नहीं पता नहीं, जो भी हो ये अनलॉक हो गया है, बहुत दिन से फ़ोन लगता ऑन नहीं था, ये देख रहे हैं व्हाट्सएप पे 99+ है मैसेज, ये देखिए बहुत दिन से लगता लॉक था, जो भी हो फ्रेंड्स
हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी ये फॉलो अपनाएं और इस वीडियो को देख करके आप किसी को भी हेल्प करें, घर में, पड़ोसी को, आसपास, फ्रेंड्स में, कोचिंग में, कॉलेज में, कहीं भी आप हों सबको हेल्प कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है ओप्पो का और कौन सा महीने का अपडेटेड है। आप हमसे कोड ले लीजिए, 2 मिनट के अंदर हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।